इन्होंने करा है हमारे काम जी। किसी ने नहीं हमारे मकान बनाए, अप्लीकेशन बहुत पहले से चली आ रही और अलका लामा ने हमारे मकान बनाए। थोड़ी सी डिस्पेंसरी की कमी रह गई यहाँ पे और थोड़ी सी स्कूलों का भी सुधार नहीं हुआ यहाँ। केजरीवाल जी ने राजनीति के तहत महिला सुरक्षा को फिर ताक पे रखते हुए सारे कैमरे उठवा लिए। अब तुम्हारी खटपट है ये, अब से जनता को कोई लेना देना नहीं है। दिल्ली के एमएलए रिपोर्ट कार्ड में आज हम पहुंचे हैं पुरानी दिल्ली की चांदनी चौक विधानसभा सीट पर। इस सीट से अलका लामा विधायक रही हैं। शुरुआत में ये कांग्रेस में थी, उसके बाद आम आदमी पार्टी में गई। देखेंगे पिछले 5 सालों के दौरान चांदनी चौक विधानसभा क्षेत्र में अलका लामा ने क्या काम कराए और विधायक के इस कामों पर प्रतिपक्ष और जनता की क्या राय है। लेकिन उससे पहले एक नज़र डालेंगे इस इलाके के इतिहास पर। चांदनी चौक विधानसभा सीट दिल्ली की एक ऐतिहासिक सीट है। साल 2015 में यहां से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार अलका लामा ने जीत दर्ज की थी। दिल्ली के सबसे पुराने इलाके में चांदनी चौक का नाम आता है। मध्य दिल्ली जिले का हिस्सा होने के साथ ही चांदनी चौक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र और विधानसभा सीट भी है। 1951 में सीट पर पहली बार विधानसभा चुनाव करवाए गए थे। इस सीट पर कांग्रेस का लंबे समय तक दबदबा रहा। वर्तमान में ये इलाका देश के सबसे बड़े थोक बाजारों में गिना जाता है। दिल्ली का सबसे पुराना और चर्चित बाजार मीना बाजार भी इसी क्षेत्र में है, तो साथ ही जामा मस्जिद का काफी इलाका चांदनी चौक की शान बढ़ाता है। कांग्रेस के पहलाज सिंह साहनी सीट से लगातार 4 बार विधायक रहे हैं। हालांकि 2015 में आपकी आंधी में साहनी चुनाव हार गयी। वैसे सीट का सियासी समीकरण पूरी तरह से बदल गया है। साहनी जहां 2015 में कांग्रेस से मैदान में थे और अलका लामा आम आदमी पार्टी से उन्हें टक्कर दे रही थी, तो वहीं अब साहनी पाला बदल कर आप में चले गए हैं और अलका लामा की कांग्रेस में वापसी हो गई है। आइए अब एक नजर डालते हैं 2015 के चुनावी नतीजे पर। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार रही अलका लामा ने 36,756 वोट लिए थे। कांग्रेस के पहलाज सिंह साहनी इस दौड़ में तीसरे नंबर पर रहे थे। मेरे यहाँ पर शिक्षा को लेकर गए, व्यक्तिगत मेरे प्रयास विधायक के तौर पर थे, उसमें ये था कि हमारी कोशिश रही SMCs हमारी स्कूल मैनेजमेंट कमेटियाँ सक्रिय रहें, पूरा हम उसमें हिस्सा लेते रहे, पेरेंट्स मीटिंग होती रहें, जो स्कूल के अंदर कमियाँ हैं लगातार उसको एक क्षेत्रीय विधायक के तौर पर मैं देखती रही। लेकिन जो सरकार से उम्मीद थी कि वो कोई नया स्कूल मेरी विधानसभा में बनाएंगी, दुख की बात है पिछले 5 सालों में एक भी नया स्कूल नहीं बना है। उल्टा ये हुआ कि दिल्ली 6 के जो जामा मस्जिद के स्कूल थे उन्हें मर्ज कर दिया गया, 10 स्कूलों को 9 स्कूल में बदल दिया गया है। सुविधाओं की कमी आ रही है। अस्पतालों की अगर बात करें तो रोगी कल्याण समिति के विधायक चेयरमैन होता है, अरुणा सफली अस्पताल दिल्ली सरकार के अधीन आता है, लगातार मीटिंगें करके एक स्थानीय विधायक के तौर पर जिम्मेदारी रहती है। जो कमियाँ उस अस्पताल के अंदर है, लोगों ने कहा कैंटीन नहीं है, पानी तक के लिए बाहर जाना पड़ता है, वो कैंटीन की व्यवस्था की गई और बहुत सी चीज़ों को वहाँ पर जो है वो दुरुस्त किया गया रोगी कल्याण समिति की मीटिंगों द्वारा लगातार विधायक के तौर पर। लेकिन अगर आप कहें कि मेरी विधानसभा में कोई नया अस्पताल खुला हो तो बहुत दुख की बात है, एक भी नया अस्पताल नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक की बात करें तो एक मोहल्ला क्लिनिक खोला किसी तरह भी, वो मकान में 10,000 रुपये के किराए पर है, जो आज तक वहीं चल रहा है। दूसरा मोहल्ला क्लिनिक जो सरकार से उम्मीद थी जामा मस्जिद में, उन्होंने कहा जगह ढूंढी, हमने बहुत मशक्कत की, भू माफियाओं से लड़कर मैंने एक सरकारी जगह को छुड़वाया, वहाँ पर स्ट्रक्चर शुरू हो गया, लेकिन आज तक वो खंडर बना हुआ कूड़े का घर बन गया मोहल्ला क्लिनिक जामा मस्जिद वार्ड में, जिसपे दिल्ली की सरकार ने कभी संज्ञान नहीं लिया। ये तो शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में बता रही हूँ। उसके बाद अगर आप आए कि विधायक निधि से क्या काम करें, तो बहुत जगह मजनू टीला चंद्रावल जाइए, हाई टेंशन वायर जा रही थी, घटनाएं हो रही थी और उसको हम लोगों ने मैंने अंडरग्राउंड किया। बहुत जगह हमें था बिजली की शॉर्टेज हो रही है, शॉर्ट सर्किट से आग लग रही है, तो हम लोगों ने मैंने अपने प्रयास से बहुत जगह दुजाना हाउस जामा मस्जिद अगर आप जाएंगे वहाँ देखेंगे, हम लोगों ने लोगों की मदद से बिजली के नए ट्रांसफार्मर रखवाने में कामयाब हुई। कोई नया स्कूल नहीं बना, सिर्फ स्कूलों के अंदर 1-2 कमरे एडिशन करके रिकंस्ट्रक्शन कर दिया, जो ग्राउंड बच्चों के खेलने के लिए होते थे, क्योंकि पुरानी दिल्ली है, पुराना शहर है, यहाँ स्कूलों के अंदर जगह नहीं है बच्चों के खेलने के लिए। लेकिन वो जगह को जहाँ बच्चे, कुछ स्कूलों में जो जगह थी, जैसे सिविल लाइन मजनू टीले के पास कुछ स्कूल हैं जहाँ बड़े ग्राउंड थे, उन ग्राउंडों को भी कमरों में तब्दील कर गया और वहाँ क्लासें चालू नहीं हुई। ये तो विधायक उसको देख रेख भाल करता है, असली काम होता है प्रोजेक्ट, हमने कितना विकास किया,
कितनी बिल्डिंगें बनाई, कितने रैन बसेरे बनाए, नई सीवर लाइन, नई पानी लाइन, हमारी भगीरथ मार्केट जो है इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है वहाँ पर भी आप देखेंगे पूरी सीवर की लाइन के साथ नया बाजार, इवन की क्षेत्रीय इलाकों में पूरी कोशिश रही कि जितना भी विकास कार्य कर सकते हैं वो नगर निगम को पैसे दिए पार्किंग के दुरुस्त करने के लिए। सो पूरा पैसा मेरा ईमानदारी से विकास पे लगा है। जो वहाँ की गलियाँ हैं वहाँ पे पाँच पाँच छः छः मंजिल बिल्डिंगें बन रही हैं, वहाँ नली सड़क पे नहीं है, जो नल सड़क पे लगे हुए थे हिंदू धर्म के अंदर, हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ मैं, प्याऊ में लगाते थे हम लोग, नल लगाते थे आम आदमी, क्योंकि यहाँ लेबर क्लास बहुत आती है, चाहे जो मजदूर रहता है, सड़कों से नल हटा दिए, पानी भर में थे कुएँ हटा दिए, तो कहाँ पानी की, गलियों में जाके देखो पानी मिल कहाँ रहा है, क्यों आंदोलन लोग क्यों कर रहे हैं पानी के लिए, कहीं पानी नहीं आ रहा, आप यहीं चले जाओ यमुना किनारे पे भी, वहाँ पानी की लाइन कैसे लग रही है, मजनू टीले चले जाओ पानी की, बिल्कुल पानी, बिजली, स्ट्रीट लाइट, अंधेरा अंधेरा, कोई लाइट बल्ब हम बदल नहीं सकते, ठीक नहीं करा सकते, जो कि अब तो BSES को चार्ज मिल गया है इसका, पहले MCD लगाती थी और अब तो बिजली कंपनियाँ लगा रही हैं। पहले नगर निगम के अंदर ये था कि अगर बिजली के पॉइंट दिए जाते थे काउंसलर को, काउंसलर उसके ऊपर जांच करता था कितने परसेंट लाइट जल रही है, अब तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। 15 में नहीं लगे कैमरे, 16 में नहीं लगे, 17 में नहीं लगे, 18 में पूछा तो सारा काम बोला अभी करेंगे, तो चुनाव के नज़दीक क्या करेंगे, जनता भूल जाती है, वोट नहीं मिलेगा, इसलिए महिला सुरक्षा को ताक पर रखते हुए 19 आ गया, महीना नहीं रह गया चुनावों की घोषणा होने को। अब जाकर 14 जुलाई को मेरे पास, मैं विधायक थी, 4000 कैमरे मेरी विधानसभा में लगने थे, पहला कैमरा मैंने 14 जुलाई को सिविल लाइन वार्ड में लगाया, खुद लगाया, फेसबुक लाइव किया। 15 तारीख को केजरीवाल जी ने राजनीति के तहत महिला सुरक्षा को फिर ताक पे रखते हुए सारे कैमरे उठवा लिए, और उसके बाद अब जाकर 2 दिन पहले जो नए उनके उम्मीदवार जिनको कांग्रेस तोड़कर लाए, जिन्हें वो भ्रष्ट बताते रहे, प्रहलाद सिंह सानी कांग्रेस के लंबे 20 साल तक विधायक रहे और उनको भ्रष्ट बताते रहे, उनको पार्टी में लाकर टिकट देना, तो उनके हाथों कैमरे भेजे जा रहे हैं। आपको चांदनी चौक की जनता ने सर्व अधिक वोट दिया, इसलिए दिया कि दिल्ली के अंदर सत्ता बदली, केजरीवाल के नेतृत्व के अंदर सरकार बनेगी और काम होगा। अब तुम्हारी खटपट है ये, उससे जनता को कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारे को किसी विरोधी, जैसे मैं भी उनके खिलाफ चुनाव लड़ा था, प्रहलाद सिंह सानी लड़े थे, किसी ने हाथ रोका नहीं तुम्हारा कि भाई तुम ना लड़ो, अगर तुम्हारा पारिवारिक, तुम्हारा सामाजिक, तुम्हारा किसी प्रकार का झगड़ा तुम्हारी पार्टी के नेता से, तो उसका जनता को उससे क्या लेना देना उसको, और विधायक निधि जो तुम्हारे पास है, अगर आप विधायक निधि आपके पास है तो केजरीवाल थोड़ा रोक देगा विधायक निधि को, ये तो आपको काम करना है। प्रोजेक्ट कितने बनाए, स्कूल तो मैंने बताया पुराने स्कूलों का एक कमरा बना दिया, तो क्या प्रोजेक्ट हुआ, सौंदर्यकरण चांदी चौक का है जो आप देखते हैं, भारी अतिक्रमण है, अवैध पार्किंग है, घंटों जाम लगते हैं, आग से नुकसान होता है, तारें लटकी हुई हैं, सुविधाएं नहीं है, उसको एक हमारी विरासत है उसे बचाना है, तो हमने इसे लाल किले से फतेहपुरी मस्जिद 1 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है लगभग, उसको हमने टोटल नॉन मोटराइज्ड करके पूरी जो है लोगों के पैदल चलने के लिए, जिसमें सिर्फ बैटरी रिक्शा नॉन मोटराइज्ड व्हीकल चलेंगे, वहाँ पर हम लोगों ने फर्नीचर लगा रहे हैं, वहाँ का जो फसाद है, लुक जो है उसे बदला जा रहा है, वहाँ पर पेड़ लगाए जा रहे हैं, हमने सीवर लाइन डाल करके, पानी की लाइन डाल करके सारे काम वहाँ करा दिए, अंडरग्राउंड कराई, बाद में इसको एकदम रोक करके शाहनवाज विकास बोर्ड के तहत इसको सौंप दिया गया, और आज ये हालत है चांदनी चौक की कि आदमी पैदल निकलना भी मुश्किल है। इस तरीके से योजना बनाई गई है कि लाल किले से फतेहपुरी तक सारी सड़क को एक साथ खोद दिया, नहीं तो जो प्रोजेक्ट बनते हैं, मेट्रो भी बनी है, NBCC के काम हो रहे हैं, सरकारी फ्लैट बन रहे हैं, MPO के फ्लैट बन रहे हैं, एक एक पार्ट को जोड़ते हैं, जैसे लाल किले से लेकर गुरुद्वारा एक पार्ट हो गया, गुरुद्वारा से लेकर घंटाघर एक पार्ट हो गया, घंटाघर से लेकर के फतेहपुरी एक पार्ट हो गया, इन्होंने पूरी की पूरी सारे पार्ट को तोड़ करके, दूसरी बात जो एजेंसी काम करती है उसका फर्ज है कि वो वहाँ पर अपने सिक्योरिटी गार्ड लगाएगी ट्रैफिक चलाने के लिए, आज सारे रास्ते बंद कर दिए। कामों पर इलाके के लोगों से बातचीत करेंगे, जानेंगे कि क्या पिछले 5 सालों के दौरान वास्तव में चांदनी चौक में काम हुआ है या सिर्फ जुमलेबाजी। हमारे यहाँ पहला तो हमारी मकानों के लिए ही है, हमारे मकानों को कोई भी देखने आता था वही देखकर चला जाता था, और फिर हमने इनसे कहा तो ये आई देखने, और इन्होंने ये मुद्दा उठाया तो इन्हीं की वजह से हमारा ये काम हुआ है। उन्होंने करा है हमारे काम जी, किसी ने नहीं हमारे मकान बनाए, अप्लीकेशन बहुत पहले से चली आ रही, और अलका लांबा ने हमारे मकान बनाए हुए जी, सारे काम हुए हैं, आज से 20 साल पहले जो काम नहीं हुआ इस बार अच्छा काम हुआ है। हमारे पानी के लिए बहुत दिक्कत थी, अब बिना मोटर के पानी चढ़ जाता, हमारा पानी की कोई दिक्कत नहीं, सीवर लाइन भी डल चुका है, सड़कें भी बन गई हमारी, आप देख सकते हो, आप निकल जाइए, आप गाड़ी लेके आप निकल जाओ बाहर, तो एक भी झटके से गली नहीं बनी, कितनी बारी उनके बाद लगाई है गलियों के लिए, गली अभी तक नहीं बनी यहाँ की,
अच्छा, बरसात के दिनों में क्या हालात आपके इलाके में? बिल्कुल पानी भर जाता है। विधायक आप लोग बोलते हो, कितनी बारी कह चुके हैं, कोई सुनाई नहीं है। कुछ लोगों का ये पैसा नहीं आया जो आता छः महीने में, हाँ पेंशन नहीं आया, यही बस थोड़ा बहुत काम रुका। वैसे तो काम चल सही है, सही कर रहे हैं। हाँ अच्छा होता है, जो काम अच्छा करोगे तो अच्छा ही कहा जाएगा, बस अच्छा ही कहा जाएगा। कोई भी होगा, शाम सुबह पानी आ रहा है, सही आ रहा है, बिजली पानी भी सही चल रही है उस टाइम। डिस्पेंसरी की बात करें, दवाइयाँ वगैरह कहाँ से लेते हैं? गाड़ी आती है उससे लेते हैं। मोहल्ला क्लिनिक नहीं है? हाँ नहीं है। जो प्राइमरी स्कूल है इनका भी सुधार नहीं हुआ, ये कमी रह गई है। अलका लांबा रही 5 साल तक यहाँ पे, लगता है उन्होंने कुछ काम किया? वैसे आकर उन्होंने विजिट करी है और लोगों से पूछा भी है काम के लिए, जो लोगों ने काम बताया उन्होंने करा भी है जी। वो आती हैं इलाके में? हाँ आती हैं, समय समय पर आती हैं। कैमरे आपके इलाके में कहीं नहीं लगे? कैमरे नहीं लगे हमारे इलाके के। जो लोगों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा, दवाई नहीं मिल रही। हॉस्पिटल में आप जाएंगे दवाई नहीं मिलती, ठीक है, लोग वहाँ पर खरीद के दवाई लेते हैं, लेकिन केजरीवाल जी कहते हैं हम तो फ्री दवाई दिलवाते हैं। झूठ, एकदम झूठ, इतना झूठ कहीं नहीं सुनने को मिलता। क्या समस्या है? मैं कह रही सारी सड़क देखो, सारी टूटी हुई है, इतनी साल हो गए सड़क नहीं बनी, और ना पे इन्ना यहाँ पे एक डिस्पेंसरी है, जो कि किसी को खांसी बुखार कुछ हो जाए तो दवाई तो ले ले, अस्पताल भागो सीधा। ये दिक्कत है, एक तो ये बारात घर है, वो ये जो इन्होंने फूल मंडी बना रखी है, तो उसमें या तो बारात घर बनाओ जो हमारे को कोई सुविधा हो, वे या कोई डिस्पेंसरी बनाओ जो गरीबों के लिए कोई दवाई मिले, या कोई राशन की दुकान खुले कि कोई परेशानी ना हो। अच्छा काम हो रहे हैं, 20 साल पहले सानी साहब था, क्या करा, अब ये रोड का पेमेंट हुई है NDMC को, अभी तक उसकी रिपेयरिंग नहीं, सीवर डलवाए और सड़क का रिपेयरिंग का पैसा दे रखा है NCD को और अभी तक नहीं डाला। महिला सुरक्षा को लेकर अलका जी लगातार आवाज़ उठाती रहती हैं, आपने अक्सर देखा होगा TV में, मीडिया में इनको, लेकिन आपके इलाके में 5 सालों में कैमरे नहीं लग पाए? हाँ जी, उसके लिए तो उन्होंने हमें अभी बीच में बोला भी था कि मतलब कैमरे नहीं लगे हैं, तो कह रही थी मैं बात करती हूँ, तो बोल रहे हैं वैसे वो लगवाने के लिए, तो अभी देखो कब तक होता है ये काम। कितने नंबर देते हैं अपने विधायिका को आप, पास मानते हैं फेल मानते हैं? नहीं नहीं, पास है। हाँ जी, तो पास कर। ये थी दिल्ली के चांदनी चौक से ग्राउंड रिपोर्ट। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, साथ ही दिल्ली की दूसरी विधानसभा सीटों से भी लोगों की राय और विधायक के कामों को जानने के लिए आप देखते रहिए नवोदय टाइम्स। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।